खबर हल्द्वानी से है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में गोला नदी में खनन कार्यों से जुड़े वाहन स्वामियों ने इस पूरे मामले को लेकर, ये पूरा मामला जो है वो हल्द्वानी से है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में गोला नदी में खनन कार्यों से जुड़े वाहन स्वामी ने आरटीओ दफ्तर में प्रदर्शन करते हुए उनके ऊपर थोपे जा रहे अनावश्यक टैक्स व जीपीआरएस सिस्टम सहित अन्य मांगों के विरोध में प्रदर्शन किया और संभाग के परिवहन अधिकारी को ज्ञापन देते हुए बेरोजगार वाहन स्वामियों को रिलीफ दिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि वाहन स्वामियों का आरोप है कि उनके वाहन सरेंडर हैं और उनके पास कोई काम नहीं है और इसके बावजूद भी आरटीओ ने उन्हें ग्रीन सिग्नल में डाल दिया है। साथ ही ट्रैक्टर और ट्रॉली में अलग अलग टैक्स लिया जा रहा है जबकि एक टैक्स लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वाहनों की फिटनेस फीस 10 गुना बढ़ा दी गई है जबकि उत्तर प्रदेश में अभी पुरानी तर्ज पर ही फीस ली जा रही है। वहीं वाहन स्वामियों की मांग पर आरटीओ का कहना है कि परिवहन विभाग के द्वारा जायज शुल्क लिया जा रहा है और पेनल्टी शुल्क भी केवल उन वाहनों से लिया जा रहा है जो कि रिलीज होने के बाद भी अपनी गाड़ियों की फिटनेस कराने में देरी कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है, एक तो सरेंडर गाड़ियां जो है हमारी हैं उस पर टैक्स और पेनल्टी लगाई जा रही है जबकि हमारे पास काम किसी प्रकार का काम नहीं है। दूसरा, हमारी जो सरेंडर गाड़ियों की टूटी हुई फिटनेस है उस पर पेनल्टी लगाई जा रही है। तीसरा, हमारी जो फिटनेस 10 गुना बढ़ा दी है, फिटनेस में इन्हें टैक्स बढ़ा दिया 10 गुना जो कि अब जबकि उत्तर प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियों की जो फिटनेस है वो 1200 रुपये में ही हो रही है, हमारे वहाँ 18,000 के लगभग वो पहुँच चुकी है। और तीसरा है, ट्रैक्टर ट्रालियों पर डबल टैक्स लगाया गया है जबकि भाई आप देखिए घोड़ा 18 टायरा होता है उसका 450 क्विंटल में गाड़ी पास है उसका भी अलग अलग सिस्टम है, उसको एक ही टैक्स दिया जाता है और उसके बावजूद भी जो है ट्रैक्टर और ट्राली में जो है डबल टैक्स लगाया है। हमारी मांग है कि या तो उनका वेट बढ़ाया जाए ट्रैक्टरों का या उनको राहत दी जाए। लेकिन कुछ मांगे हमारी ये हैं कि जो है हमारी गाड़ियाँ सरेंडर हैं, हम लोगों के पास काम नहीं है और जो गाड़ियां हमारे अक्टूबर में निकलनी थी रॉयल्टी की वजह से और स्टोन क्रेशर की वजह से हम गाड़ी नहीं निकाल पाए, हमारे पास काम नहीं था, तो आज हम देख रहे हैं कि उन गाड़ियों को आरटीओ विभाग द्वारा जो रेड सिग्नल में थी उनको ग्रीन सिग्नल कर दिया गया है, उसमें जो है टैक्स के अलावा पेनाल्टी डालनी शुरू कर दी। जो गाड़ियों की फिटनेस हमारी टूटनी थी 50 रुपये पर डे के हिसाब से उसमें पेनाल्टी पड़ ली है और उसके साथ साथ जीपीएस का हमारा विरोध है और ट्रैक्टर ट्राली जो हमारी गोला में चलते हैं उनमें दो दो टैक्स पड़ता है तो हम चाह रहे हैं कि उनमें एक टैक्स पड़े। जिस तरीके से रोड में हमारी गन्ने की गाड़ियां चल रही हैं या अन्य कारोबार जो चल रहा है पट्टू में ट्रैक्टर चलते हैं वहां उनके लिए कोई दो टैक्स नहीं है लेकिन जब नदियों में हमारे गोला में चलती है वहां पर दो टैक्स लिया जाता है। तो परिवहन की कई टीम हमारी कुछ ये मांगे हैं जिसके लिए हम आज आरटीओ साहब के पास आए हैं, हम अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर और जो है हम सभी वाहन स्वामी जो पीड़ित हैं इससे वो लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। आपका नाम? रमेश चंद जोशी, गोला खनन संयोजक। मांग की गई है कि हमारे जो सरेंडर गाड़ियां हैं उन पे टैक्स और पेनल्टी लगाई जा रही है और जो फिटनेस जो है अगर एक्सपायर हो गई है उस पे पेनल्टी लगाई जा रही है। तो उसमें हम ये बताना चाहते हैं जो भी सरकार द्वारा नियम लागू किए गए हैं उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है और किसी भी गाड़ी मालिक के ऊपर कोई अन्यथा पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है। अगर गाड़ी जब रिलीज़ हो रही है उससे फिटनेस कराने के दिन में अगर 2, 4, 6 दिन अगर हो रहे हैं वो हमारे पेनल्टी सिर्फ उसी पर लगाई जा रही है। और दूसरी बात, इन्होंने ये कहा है कि फिटनेस की जो फीस बढ़ा दी गई है 12,500 रुपये जो कर दी गई है और यूपी में इनका कहना है कि यूपी में वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये भारत सरकार द्वारा फीस बढ़ाई गई थी जिसमें सरकार ने उसको लागू किया है और यूपी में भी बहुत ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है और फीस भी जमा करवाई जा रही है।